126 किलोमीटर सड़क का निर्माण करके 51 गांव को सड़क से जोड़ा और मेगा हाईवे भी आपके यहाँ से निकल रही है, तो आपने देखा कि काम हो सकता है अगर सरकार चाहे तो, और नहीं चाहती है तो रोज रोज रोड टूटेगी। और मैं देखती हूँ कि ज्यादातर रोड के अंदर गड्ढा है या गड्ढा के अंदर रोड है, वो किसी को समझ में नहीं आता है। इतनी हालत पूरे राजस्थान के अंदर खराब करके छोड़ी है। आने वाले समय के अंदर हम लोग किसानों को 1% की दर पर खेती बाड़ी के लिए कृषि ऋण उपलब्ध कराने का काम करेंगे, सबसे पहले। उसके बाद जो हमारे पंजीकृत नौजवान बेरोजगार बच्चे हैं उन लोगों को 20 लाख का ऋण और उसके साथ साथ सरकारी गारंटी और उसके साथ साथ 3% ब्याज के ऊपर उपलब्ध हम आपको करा के देंगे। और मैं समझती हूँ कि 20 लाख बहुत पैसा होता है, और कोई भी युवा अगर शिक्षित हो जाता है और बेरोजगार है, अपने पैर पे खड़ा होने का उसको बड़ा आराम से ये जरिया उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरीके से हमने कहा है कि हमारी सरकार किसानों की खेती बाड़ी करते हुए वहां अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख और गंभीर माने अपने खेत के ऊपर मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर वो घायल हो जाता है तो 1 लाख रुपए उसको और उसके परिवार को मिलेगा। ये किसान जो है अपने खेत के ऊपर दुखी हो जाते हैं, तो उनके लिए मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि पानी की जोरदार किल्लत, बिजली की किल्लत, रोजगार की किल्लत, सड़कों की किल्लत और डॉक्टर्स और टीचर्स की किल्लत, इन सब चीजों को रोकने का काम, खत्म करने का काम और नए सिरे से एक नया राजस्थान बनाने का काम, वो सब हम आप मिलके करेंगे। मैंने सब महिलाओं को कह दिया है कि ये वो एक सरकार है जिस सरकार ने महिलाओं की इज्जत को तार तार करके छोड़ा है। आज 5 मंत्रियों को कैबिनेट के पोस्ट को छोड़ के नीचे उतरना पड़ा क्योंकि उन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार और दुराचार के अंदर वो लिप्त थे। कितनी शर्म की बात है भाइयों, जो लोग अपने परिवार की महिलाओं की इज्जत को बचा के नहीं रख सकते वो क्या सरकार चलाएंगे, वो आपका क्या काम करके देंगे। इतनी इज्जत नहीं है, आज राजस्थान पूरी तरह से कलंकित हो गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि समय आ गया है कि हम अग्रणी प्रदेशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं और लोग हमारी तरफ देखें, हमारा स्वाभिमान और हमारी इज्जत हमारे वापस आ जाए और हम अपना सिर ऊंचा करके चल पड़े कि हमारे क्षेत्र के अंदर भी काम हुआ है, हम पिछड़े नहीं है और हम किसी से कम नहीं रहेंगे। ये बात हम आपको कहने के लिए आए हैं। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर हमारे गुर्जर भाइयों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो सबके सामने आपने देखा। अशोक गहलोत ने अलग अलग पार्टियों को खड़ा करने का काम कर दिया, उनने खुद की तो पार्टी है ही है, फिर वो गंगानगर में पार्टी है, फिर यहाँ सवाई माधोपुर में पार्टी है, फिर आपके अभी अभी ज्वाइन किए हैं, उसके बाद आपके और पार्टियां हैं। आज मैंने सोच यही था कि घेराबंदी करो, सरकार या तो हमारी बने या किसी और की बने, परंतु भारतीय जनता पार्टी की ना बने। खुद काम करने को तैयार नहीं है, किसी और को भी काम करने के लिए नहीं देंगे। 5 साल के 4.5 साल वैसे ही गवा दिए, आराम से नींद ली और कोई काम ही नहीं किया। हाँ, उन्होंने भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त होके होटल बना लिया अपने बच्चे के लिए, बेटी के लिए फ्लैट खरीद लिया, अपने अपने सब जो रिश्तेदार थे उनको नौकरियों का काम दिलवा दिया, सब बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं और इनके परिवार सुदृढ़ हो गए। ये आप लोग सबका, आप लोगों ने सबने उनके जेब भरने का काम जरूर कर दिया है। मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि जिनने जिस इस तरीके से अपने गांव के लोगों को और अपने परिवार को लोगों को दुखी किया है, उनको ये परिवार मिलके 1 तारीख को कमल के फूल पर मोहर लगा के और जोरदार तरीके से हराने का काम करेगा, उस कुर्सी पे 1 मिनट के लिए भी वो लोग नहीं बैठ सकते हैं जिन लोगों ने आपके साथ इस किस्म के काम किए। मैं सबको कह दूं कि 65 साल निकल गए भाइयों, और मैं आज कह रही हूँ 4.5 साल ये भी निकल गए, इस 4.5 साल के अंदर भी अपना कुछ नहीं हुआ। 4 महीने जब बचे तो इधर उधर भागना शुरू कर दिया, अरे आपको पेंशन भी दे देंगे, लुगड़ी भी दे देंगे, साइकिल भी दे देंगे, बर्तन भी दे देंगे, कुर्ता भी दे देंगे, क्या चाहिए सब ले जाओ, बस वोट दे जाओ। और मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि वोट ऐसे नहीं लेते, वोट इज्जत का है, वोट काम का है, वोट विकास का है, वोट हम सबका है, हम सबकी इज्जत का, इसलिए हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये मौका मिलता है हमको 5 साल में 1 दफा, और वो सरकार को तो नहीं लाएंगे जिसने हमारी ये दुर्दशा करके छोड़ी है, और वो सरकार को लाने की जरूरत है जिसने ये काम भी किया है, आपके क्षेत्र के अंदर काम किया है। आप देख सकते हैं किसने काम किया किसने नहीं किया, और फिर अपना वोट अपन खराब भी नहीं करना चाहेंगे भाइयों। हम तो ये चाहते हैं कि ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर का रास्ता सिकराय से होते हुए आपके जयपुर तक जाता है और जयपुर के अंदर अपनी सरकार बनेगी और उसके बाद अपना ये रास्ता जाता है दिल्ली को,
ये हिंदुस्तान का तख्ता पलटेगा भाइयों, और हम लोग नरेंद्र मोदी को जिता के हम प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, तो ये नया हिंदुस्तान भी बनेगा, नया राजस्थान भी बनेगा, और जो आपके काम 65 साल से नहीं हुए हैं वो काम पूरा करने का हम और आप मिलके करेंगे। बोलो तैयार हो? हाँ सब तैयार हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होगी, हम लोग मिलके अपना ये काम करेंगे। ये पूरे इलाके के अंदर ये पूरा इलाका ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस पूरे इलाके को अपने पैर के ऊपर खड़ा करना, उनको पानी का इंतजाम करना, उनको बिजली का इंतजाम करना, कॉलेज वगैरह ये सब चीजें, मेरे पास लोग आए कि 34 कॉलेज अशोक गहलोत ने खोल दिए। बढ़िया बात किया, 34 कॉलेज तो खोल दिया, पर किसी धर्मशाला में खोल दिया, किसी का बिल्डिंग के दो कमरे में खोल दिया, किसी प्राइमरी का स्कूल के दो कमरे में खोल दिया, किसी सेकेंडरी के दो कमरे खोल दिए। ऐसे कॉलेज नहीं खुलते भाई हम। कॉलेज खुलता है तो उसकी जमीन होनी चाहिए, उसकी बिल्डिंग होनी चाहिए, उसके बच्चे होने चाहिए, उसके टीचर होने चाहिए, तभी तो कॉलेज है। नहीं तो हम तो कोई भी घोषणा कर दें, ऐसी घोषणाओं से काम नहीं होता। और चौमुखी विकास, हम बार बार ये सुनते हैं, मुख्यमंत्री कहता है सब दूर कि मैं तो चौमुखी विकास कर रहा हूँ। चौमुखी विकास, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ टीचर नहीं है, जहाँ रोजगार नहीं है, कौन सा चौमुखी विकास, कौन सा विकास करके छोड़ा है? इसलिए आज हम लोग संकल्प ले लें, आपके सामने नंदू जी को खड़ा किया, अरे ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं मालूम कि हमको विधानसभा में जाके क्या काम करना है, ये जानते भी हैं। और इस बार अपनी सरकार भी आएगी, नंदू जी भी उसके अंदर होंगे, हम लोग मिलके आपकी छोटी छोटी बातों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये मैं सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आओ तो आ गया, ये तो अच्छे तरह से हम लोग जानते हैं, आप लोग भी अच्छे तरह से जानते हो। मैं आपके सामने इनको खड़ा किया है इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत सारे के बीच में जाएंगे भी, विधानसभा के अंदर भी आएंगे, और मेरे को परेशान करके आप लोगों के काम करने में कोई पीछे नहीं रहेंगे। ये नंदू जी को वोट नहीं है, ये मेरे को भी वोट है, आप ये मान के चलिए आप मुझे भी वोट दे रहे हो, अकेले इसको नहीं, और एक वोट में आपको दो मिल रहे हैं, और पूरे काम करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। इसको याद रखते हुए मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने तो माला नहीं पहनी है, और माला इसी नहीं पहनी है क्योंकि मैं सब लोगों से पहना रही हूँ, बताओ इसको पहनाओ, पहनाए क्या माला? अगर आप कहते हो, आप जिम्मेदारी लेते हो तो पहनाओ। लो अब आपकी जिम्मेदारी है, और मैं सब लोगों को कहती हूँ कि आप लोग मेहरबानी करके सब मिलके अपने को काम कराएं, अपने इस पिछड़े हुए इलाके को आगे ले जाने का काम करें। और मैं इनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, सब पूरे इलाके में आज घूम के आई हूँ, और मेरे को बहुत दुख होता है जब मैंने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं सवाई माधोपुर में भी थी, करौली में भी थी, धौलपुर में भी थी, और आज दौसा में भी हूँ, और मैंने देखा हुआ है कि कुछ काम नहीं हुआ है। पर मैं ये विश्वास करती हूँ कि आपका साथ हम लोग मिलके इस क्षेत्र को बदलने में पीछे नहीं रहेंगे।